नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। प्लांट पैथोलॉजी में आज का टॉपिक है रस्ट डिजीजेस ऑफ वीट। वीट अपने देश की मुख्य पैदावार है, उसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। रस्ट रिप्रेजेंट द मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट फंगल डिजीज इन वीट। इसका मतलब है कि वीट आपको मालूम है कि अपने देश की प्रमुख पैदावार है, विशेष रूप से नॉर्दर्न प्लेन रीजन में। तो अगर गेहूं के पैदावार को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो इकोनॉमी को वहां पर असर डालता है, वहां की इकोनॉमी पर बहुत प्रभाव डालता है। देश में तीन तरह के रस्ट पाए जाते हैं जो कि देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम पर दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ से डिटेल्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रस्ट ऑन वीट। वीट पे कितने तरह के रस्ट पाए जाते हैं? तीन तरह के मुख्य रूप से रस्ट पाए जाते हैं। उनके पैथोजन और सिम्टम के आधार पर इनको अलग अलग किए गए हैं। जैसे सबसे पहले है ब्लैक रस्ट ऑफ स्टेम, ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट भी कहते हैं इसको, या फिर ब्लैक स्टेम रस्ट भी कहते हैं। इसका जो पैथोजन है वो पक्सिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसी है। इसको हम ज़्यादातर बहुत विस्तार से पढ़ते आए हैं, यूजी में भी एंड पीजी में भी। दूसरा है येलो और स्ट्राइप रस्ट। इसका पैथोजन जो है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। तीसरा जो रस्ट है दैट इज ब्राउन और ऑरेंज रस्ट, जिसको लीफ रस्ट भी कहते हैं। इसका पैथोजन है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, इसको पक्सिनिया ट्रिटिसिना भी कहते हैं। हम इन तीनों के सिम्टम और के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे। मुख्य रूप से इनके जो लक्षण होते हैं उनमें ही विशेषता पाई जाती है, उनमें ये उनके आधार पर इनको अलग अलग किया सकता है। विशेषता क्या है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले लीफ रस्ट। लीफ रस्ट के जो पस्टूल्स होते हैं दैट आर ऑरेंज ब्राउन कलर होते हैं, रस्टी कलर्ड होते हैं। और ये जो कलर आता है पस्टूल्स आता है ये क्यों आता है? उनमें जो स्पोर्स बनते हैं उनके कलर के आधार पर ही इनका सिम्टम का जो पस्टूल्स होते हैं धब्बे होते हैं उनका कलर दिखाई देता है। स्ट्राइप रस्ट में ये येलोइश फ्लेक्स होते हैं और मुख्य रूप से ये पत्तियों पे होती है। तीसरा स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट, इसमें दो तरह के सिम्टम पाए जाते हैं। शुरुआती लक्षण जो होते हैं समर स्टेज में रेड कलर के आ जाते हैं, और इसी के नाम पे रस्ट, जैसे लोहे की जंग का कलर होता है रेड कलर का, उस तरह के दिखाई देते हैं। बाद के स्टेज में जैसे विंटर स्टेज में ब्लैक रस्ट जो सिम्टम्स होते हैं, जो पस्टूल्स होते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए इसको ब्लैक रस्ट भी कहते हैं। दूसरा जो डिफरेंस क्या है, लीफ रस्ट डज नॉट लीव कॉन्स्पिकुअस टीयर्स। ये जो लीफ होती है जहां पर वो पस्टूल्स पाए जाते हैं वहां से ब्रेक नहीं होती, फटती नहीं है। जबकि स्ट्राइप रस्ट में इसमें भी पूरी तरह से नहीं फटती, लेकिन एक स्ट्राइप लाइक पैटर्न बनाती है, लीनियर लंबी लंबी स्ट्राइप की जैसी पट्टियों जैसी पैटर्न बनाती है लीफ के ऊपर। लेकिन तीसरा जो है स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट में जो लीफ रस्ट होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, जो पस्टूल्स होते हैं, वहां पर से जो पस्टूल्स हैं वो बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं, एपिडर्मिस फट जाता है और इस तरह से स्पोर्स बाहर आते हैं। अगला जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये रोग जो है वो अपियर कब होते हैं? लीफ रस्ट जो है दैट इज अपियर्स इन जनवरी इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में ये जनवरी में ही दिखाई देता है। स्ट्राइप रस्ट भी जनवरी फरवरी में ही दिखाई देता है नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में ही, क्योंकि गेहूं के जो एरियाज है जहां पर गेहूं उगाई जाती है वो यही क्षेत्र है जहां पर गेहूं प्रमुखता से उगाई जाती है नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया नॉर्दर्न प्लेन रीजन में। जो स्टेम रस्ट होता है ये मार्च में आता है नॉर्थ इंडिया में, जब गेहूं की फसल हमें दिखाई देने लगती है, फसल पैदावार होने लगती है, एंड नवंबर में आता है साउथ इंडिया में। अगला जो डिफरेंस है वो है यूरोसोराई में, जो यूरोस्पोर्स बनते हैं जिस सोराई में बनते हैं, जिस पशु में बनते हैं, दैट इज कॉल्ड सोराई। तो जहां पर यूरोस्पोर्स बनते हैं उसको कहते हैं यूरोसोराई। ये लीफ रस्ट में तो लीफ में ही प्रेजेंट होता है और बाकी किसी ऑर्गन पर अफेक्ट नहीं करता, जबकि स्ट्राइप रस्ट होता है जो दैट अपीयर्स ऑन लीफ शीट एंड ईयर्स में भी दिखाई देता है। स्टेम रस्ट जो है ये बहुत ही डैमेज करता है लीफ, लीफ शीट, लीफ बेसिस, स्टेम, सभी ऑर्गन्स पे आता है ये, और इसलिए जो ब्लैक रस्ट से होने वाली जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा होती है। अब इस यूरोसोराई में जो यूरोस्पोर्स बनते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उनमें भी डिफरेंस दिखाई देता है। जो लीफ रस्ट के यूरोस्पोर्स होते हैं वो राउंड होते हैं या फिर ओवल हो सकते हैं। कलर ब्राइट ऑरेंज होता है, जिनके नाम पर इसको ऑरेंज रस्ट कहते हैं। और इसमें जो जर्म पोर्स पाए जाते हैं वो 3 से 4 जर्म पोर्स पाए जाते हैं जहां से जर्मिनेट होते हैं यूरोस्पोर्स। जो स्ट्राइप रस्ट है उसके यूरोस्पोर्स कैसे होते हैं? दे आर नियरली राउंड, लगभग गोले गोलाकार होते हैं। कलर येलो होता है इसलिए इसको येलो रस्ट भी कहते हैं। इसमें जो जर्म पोर्स होते हैं वो सब ज्यादा होते हैं, 6 से लेकर 10 तक स्कैटर्ड होते हैं यूरोस्पोर्स के सरफेस पे,
बिखरे हुए होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। थर्ड इज ब्लैक रस्ट, उसके जो रिडोस्पोर्स होते हैं दैट आर ओवल कलर में ब्राउन होते हैं, इसलिए जो शुरुआती स्टेज के जो सिम्टम्स होते हैं वो ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। और इसमें चार इक्वेटोरियल जर्म पोर्स दिखाई देते हैं। इक्वेटोरियल का मतलब है अगर किसी गोले को आप संरचना यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ इस गोले को, दीज आर फोर इक्वेटर्स, तो जो यहाँ जर्म पोर जाते हैं, एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तीसरा यहाँ प्रेजेंट होगा और चौथा यहाँ। तो इस तरह से चार इक्वेटोरियल जर्म पोर्स पाए जाते हैं इसमें, जहां से ये जर्मिनेट होते हैं यूरोस्पोर्स। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो टेलेटोसोराई में होता है। आपको मालूम है कि जो रस्ट के जो डिजीज होती है, जो बेसिडियोमाइसिटीज के ये फंगस है, और इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, यूरोस्पोर्स एंड टेलेटोस्पोर्स। यूरोसोराई में यूरोस्पोर्स बनते हैं, टेलेटोसोराई में टेलेटोस्पोर्स बनते हैं। तो इन दोनों में संरचना में फर्क होता है। जो यूरोस्पोर्स का आपको बता दिया, आप टेलेटोस्पोर्स के बारे में देखते हैं। टेलेटोस्पोर्स टेलेटोसोराई में बन रहे हैं, वो सोराई कैसी होती है? टेलेटोसोराई रेयरली डेवलप्स, इसमें ज्यादा मुख्य रूप से सोराई जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता, और अगर प्रेजेंट होता है तो दैट आर ब्लैक, रंग में ब्लैक होते हैं क्योंकि इसकी वॉल काफी मोटी होती है, एंड ऑन लोअर सर्फेस ऑफ द लीफ, लीफ के नीचे की तरफ सर्फेस पे होती है। स्ट्राइप पस्ट में कैसा होता है? दे ऑल्सो फॉर्म ब्लैक इलोंगेटेड पस्टूल्स, लंबे लंबे पस्टूल्स बनते हैं, एंड ये भी पत्ती के नीचे की सर्फेस से बनते हैं, लोअर सर्फेस। स्टेम रस्ट में टेलेटोसोराई कैसे होते हैं? दैट आर ब्लैक, इसी के नाम पर ही ब्लैक रस्ट नाम डाला गया है इसका, इलोंगेटेड एंड कन्फाइंड टू द स्टेम, ये लीफ पे नहीं आते, ये मुख्य रूप से स्टेम पर दिखाई देते हैं, बहुत ही डार्क ब्लैक कलर के। अब इन टेलेटोसोराई में बनने वाले जो टेलेटोस्पोर्स हैं वो कैसे होंगे? उनकी संरचना में भी फर्क है। टेलेटोसोराई तीनों कंडीशन में बाईसेल्ड ही होगी, डबल सेल की होगी, दो सेल की बनी हुई होगी। कलर में फर्क है, लीफ रस में इट इज डल ब्लैक कलर होती है, राउंडेड होती है एंड थिकेंड एट द एपेक्स, एपेक्स पे ये थिक होती है सिर्फ, जबकि स्ट्राइप रस्ट में बाईसेल्ड तो यहाँ भी है, लेकिन इसके बीच में जहां पर ये बाईसेल्ड होती है, आप मैं ड्रॉ करती हूँ आप देख सकते हैं, दिस इज बाईसेल्ड, तो जहां पर ये सेप्टा प्रेजेंट है बाईसेल्ड होने की वजह से, इस सेप्टा की वजह से ये बाईसेल्ड है, तो यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये डम्बल शेप दिखाई देगी, दिस आर कॉन्स्ट्रिक्शन एंड कॉनिकल एट द एपेक्स, और एपेक्स पर ये कॉनिकल होती है, नुकीली होती है। स्टेम रस्ट में, ब्लैक रस्ट में कैसा होता है? इट इज बाईसेल्ड, डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर्ड होती है, राउंडेड और कॉनिकल एट एपेक्स, एपेक्स पे ये राउंडेड या कॉनिकल हो सकती है। जो बेसिडियोमाइसिटीज के जो रस्ट ग्रुप के फंजाई होते हैं, ज्यादातर उसमें अल्टरनेट होस्ट प्रेजेंट होता है जिसमें वो पेरिनेट करते हैं, अनफेवरेबल सीजन में, ग्रोइंग सीजन जब नहीं होती गेहूं की, होस्ट प्रेजेंट नहीं होता, उस समय वो अल्टरनेट होस्ट पे सर्वाइव करते हैं। तो इन तीनों कंडीशंस में, लीफ रस, स्ट्राइप रस एंड स्टेम रस, तीनों में अल्टरनेट होस्ट प्रेजेंट होता है, तीनों के अलग अलग हैं। लीफ रस्ट में जो अल्टरनेट होस्ट है वो कौन सा है? दैट इज टेलिक्टम फैल्बम इज अल्टरनेट होस्ट ऑफ लीफ रस्ट, एंड स्ट्राइप रस्ट में मोलेनवर्जिया हुगेलाई, दिस इज अल्टरनेट होस्ट, और स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट के लिए बारबेरिस वल्गैरिस इज द अल्टरनेट होस्ट। जब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं वीट रस्ट के सिम्टम्स कैसे होते हैं। ये है स्ट्राइप रस्ट, जिसमें इलोंगेटेड पश्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, येलो कलर, ये इलोंगेटेड पश्यूल्स प्रेजेंट है। इस डिफरेंस को आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये है वीट रस्ट के तीनों वैरायटीज, द फर्स्ट इज स्ट्राइप रस्ट, ऑक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस के द्वारा जो होता है ये स्ट्राइप रस्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज येलो का रस्ट भी कहते हैं इसको, ये इलॉन्गेटेड पश्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर लंबे लंबे धब्बे प्रेजेंट है, कलर इसका येलो। सेकेंड इज स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट, इसमें दो तरह के पश्यूल्स है, डार्क ब्राउन कलर के एंड ब्लैक कलर के, लीफ पर ब्राउन कलर वाले आते हैं, रस्टी कलर्ड, एंड दीज आर पश्यूल्स फैले हुए होते हैं। एंड थर्ड इज पक्सिनिया ट्रिटिसिना, इसको पक्सिनिया रिकोंडिटा भी कहते हैं, एंड दिस इज लीफ रस्ट यानी ब्राउन रस्ट जो है इधर, ये भी लीफ पर प्रेजेंट होते हैं और छितरे हुए इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें। अब इनके तीनों चूंकि एक ही ग्रुप के हैं तो इनका सिस्टमिक पोजिशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है इनका? किंगडम इज माइकोटा, फंजाई ग्रुप में है इसलिए, डिवीजन इज यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटीना, क्लास टेलियोमाइसिटीज क्योंकि टेलिटोस्पोर्स बनते हैं इसमें, ऑर्डर यूरिडिनेल्स,
सहाय बनते हैं। इसलिए फैमिलीज पक्सीनियासी, जीनस पक्सीनिया है, स्पीशीज तीनों के अलग अलग हैं। ब्लैक रस्ट इज ग्रामिनस, स्ट्राइपराजिस इज स्ट्राइफॉर्मिस, एंड थर्ड लीफ रस्ट इज रिकॉन्डिटा या ट्रिटिसिना। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रस्ट इन इंडिया। धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे हम प्लांट पैथोलॉजी के सीरीज में इन तीनों रस्ट के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। नेक्स्ट सीरीज में आप ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ वीट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।